Assalamualaikum guys, I am Zeeshan Ali Musani. तो बाद हम वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी सारी मसरूफियात थी, ईद थी, शादी थी, फिर अचानक हमारे कज़न की डेथ हो गई थी तो उसमें हम बड़े डिस्टर्ब हो चुके थे, तभी हम वीडियो नहीं बना पाए। आज जो हमारी वीडियो का मकसद है ना, द लाइफ, जिंदगी क्या है, सबसे पहले तो शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले आपके माँ बाप इस दुनिया में, पूरी कायनात का अल्लाह ताला निज़ाम बनाया, आदम बनाए, हवा बनाई, ये पूरी दुनिया है, आदम मखलूक है अल्लाह ताला की, मर्द औरत हर तरह के लोग रहते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं, आपके माँ बाप इस दुनिया में शादी करते हैं, उनसे औलाद होता है, बेटा होता है या बेटी होती है, तो सबसे पहले जो आपकी परवरिश होती है ना घर में होती है, आपके माँ बाप आपको बचपन में पालते हैं। हजरत मौला अली अलैहि सलाम का कौल है, जिंदगी को तीन हिस्सों में बच्चे पे तकसीम कर, पहले वाले 7 साल 8 साल आप अपने बच्चे के गुलाम हो, उसकी खिदमत करो, जो बोले उसकी हर बात मानो, फिर नेक्स्ट 8 साल जो होते हैं ना जिंदगी के, उस पर आप रोब रखो, उस पर आप हुक्मदारी करो कि माहौल को समझे, उसको लाइफ को समझे। उसके बाद थर्ड जो स्टेप आता है ना जिंदगी का, आप अपने बच्चे को या अपने बेटी को आप दोस्त बनाओ, उसको शेयरिंग बताओ, जिंदगी बताओ, फैसले बताओ, रिश्तेदार बताओ, दोस्त बनाओ, माहौल बताओ, कल्चर बताओ, कैसे पलते, कैसे सिस्टम चलाते। तो हमने बचपन पाला, स्कूल जाते हैं, हम स्कूल पढ़ते हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ट्यूशन पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अर्ली एजुकेशन घर से हासिल करते हैं, उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो तमाम मराहिल से तय करते हैं, जवानी है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, ये इंसान की फितरी अमल है, कुदरती हिसाब किताब है। आपको अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजे, माँ बाप दिया, भाई दिया, बहन दिया, खाला दी, मामा दिया, पुप्पो दी, चाची दी, चाचा दी, ये सारे रिश्ते अल्लाह की बड़ी नेमत है। खाला पुप्पो, इन सब की कदर करें, इन सब का एहसास करें। जिंदगी एहसास, जिसमें जितनी बड़ी जिंदगी में एहसास होता है वो उतना बड़ा इंसान कीमती होता है। तो मैं आपको बताऊं, जिंदगी है, आज है, कल नहीं होगी, अचानक मौत आ जा रही है। आप अपना देखो, बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे भी कस्टमर का कोई पता नहीं होता, अचानक कोई कस्टमर आ जाए, अचानक कोई नेमत आ जाए, ये जिंदगी भी ऐसी, अचानक मौत आ जाए, पता भी नहीं चलेगा कैसे आए थे, कैसे गए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, आप लोगों में से किसको पता है कि मौत से पहले जाग जाए, क्योंकि ये आंख खुली हुई है, समझो बंद है, खोली जाएगी, समझो हम कब्र में जा गए, वहां की एक अजीब जिंदगी है। तो आलम बरज़ख की जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजारो, अच्छे पल गुजारो, सब एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे का एहसास करो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चलो, अफवा दरगुजर से काम लो, माफ करो, खुश रहो, खाना खिलाओ, नेमत खुदा की तकसीमों को तकसीम करो, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो किसी की कदर करें। जिंदगी है, आज नहीं, फिर अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की कदर करें, जो आपको आखिरत के सफर तक लेकर जाते, कब्र तक, जनाजा नमाज, दुनिया है, आना है जाना है, पर कदर करें, एहसास करें, जिंदगी को अच्छे मालूम, अपना दिल साफ रखें, नमाज पढ़ें, बेशक अल्लाह की इबादत करें, पर दिल अच्छा हो, सबको माफ करके सो। सुबह से रात तक जो जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग, वो कैसी गुजार रहे हैं, आपको अपन टेस्ट ले, आज सुबह से रात तक मैंने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा, कौन सी गलतियां की, उसके लिए माफी मांग ली। तो आज कल से हमारे जो फर्स्ट मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है, हमारी वीडियोस होगी इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के लिए, कि मकसद कर्बला क्या था, हुसैन का मकसद क्या था, हुसैनियत ने इतनी बड़ी कुर्बानी आखिर क्यों दी, क्या जरूरत पड़ गई थी कि हुसैन अपने 72 के लश्कर के साथ कर्बला गए। तो मकसद समझना होगा, एहसास समझना होगा, हुसैन ने क्यों इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, दीन को बचानी, चाहते तो रसूल खुदा नाना अल्लाह की हुज्जत खुदा नबी थे, चाहते तो उनको बोल देते बचपन में ही, नाना रसूल अल्लाह मुझे शहादत नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ क्यों इस्लाम के लिए डिस्टर्ब करूं, या अपनी इस्लाम के लिए पूरी पर नहीं, जिंदगी है, आज है, कल नहीं, मौत भरक है। जिंदगी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत में तब्दील किया, पूरी रहती दुनिया तक 1400 साल गुजर गए, इसमें ना शिया होता है, ना सुन्नी होता है, ना देवबंदी, ना बरेली, ना सिख, ना ईसाई, ना क्रिश्चन, ना हिंदू, ना मुस्लिम। बड़ा वो अच्छा लगता है हमें, सिंध में एक कल्चर है, हमारा हिंदू दोस्त भी बोलता है या अली, मतलब या हुसैन, वो रोते हैं हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के। तो हमें समझना होगा, अच्छी चीजों को समझे, इंशाल्लाह एक वीडियो में हम आगे चलते रहेंगे, नई वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबको कहूंगा, हमारा ज़ीशान मूसानी MOOSANI110 यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक आप अपने दोस्त ज़ीशान अली मूसानी और कैमरामैन अली कोटड़ी और हमारी टीम अब्दुल कदीर और मुइस के साथ सबको दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह फिर कल एक नई वीडियो में मुलाकात होगी।